की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मांडर के फैसले की। तो मांडर की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और कहीं ना कहीं मांडर ने विश्वास जताया है महागठबंधन उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की पर। तो मांडर उपचुनाव में कांग्रेस की बढ़त बरकरार है। तो मांडर में किसका डंका बजेगा आज साफ हो जाएगा। रांची के पंडरा स्थित कृषि बाजार समिति में काउंटिंग जारी है। बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर चल रही है, लेकिन अब कांग्रेस निर्णायक बढ़त लेते हुए आगे दिख रही है। 13वें राउंड तक कांग्रेस को 10,455 वोटों से आगे चल रही है कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की को अब तक 57,700 वोट मिले हैं। बीजेपी की गंगोत्री कुजूर को 47,283 और तीसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी देव कुमार धान को 18,248 वोट प्राप्त हुए हैं। तो 13वें राउंड में 10,000 से भी आगे चल रही है शिल्पी नेहा तिर्की, जो महागठबंधन की उम्मीदवार है। सीधे रुख करेंगे, विपिन हमारे सहयोगी हमारे साथ है, जो पल पल की जानकारी हमें दे रहे हैं, न्यूजीलैंड भारत दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। विपिन, जिस तरह से जो चुनाव हुए, चुनाव में कई तरह के मुद्दे थे, लेकिन मांडर की जनता ने बता दिया कि वो बदलाव के मूड में नहीं है। जी देखिये, सबसे बड़ी खबर सारिफ इस उपचुनाव की मतगणना के बीच जो आई है कि जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं इस विधानसभा के उपचुनाव में, गंगोत्री कुजूर ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। मतगणना केंद्र से वो निकल चुकी हैं अपने घर के लिए। उन्होंने कहा है मार्डन की जनता का जो निर्णय है वो उनके सर आंखों पर, और जो भी वोट उन्हें मिले हैं ये जनता ने उनके प्रति प्यार दिखा, यानी कि उम्मीदवार ने हार स्वीकार कर लिया है। और जो हमारे विश्वस्त सूत्रों से मिले जानकारी के अनुसार अगर हम बात करें सारिफ, तो लगभग 15वें राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है, और जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि इसके बाद तकरीबन 13,000 से भी ज्यादा का अंतर कांग्रेस उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की ने बना रखा है। अब महज 6 राउंडों की गणना है जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, उसके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ अब इस बात का इंतजार है कि जीत का अंतर क्या होगा। इस बाई इलेक्शन में बंधु तिर्की के प्रति मांडर की जनता ने अपना प्यार बरकरार रखा। उनकी बेटी जो कांग्रेस के संबलपुर चुनाव लड़ रही थी वो जीत की ओर बढ़ रही है। औपचारिकताएं बाकी है कि बीजेपी उम्मीदवार का हार स्वीकारना भी इस ओर साफ संकेत कर रहा है। तो जो जिस तरह से लगातार हम ये कह रहे थे कि तकरीबन 15,000 के प्लस का ये आंकड़ा हो सकता है इस नेहा शिल्पा तिर्की की विक्ट्री का, तो काफ़ी महत्वपूर्ण जीत ये, और जिन परिस्थितियों के बीच ये उपचुनाव हुआ, जिन हालात उपचुनाव के वक्त बने थे, उसके बाद अगर इस तरह से कांग्रेस ने यहां पर जीत हासिल की है तो यह कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत साबित होगी। सारिफ, जाहिर तौर पर एक बड़ी जीत साबित होगी। और विपिन, जिस तरह से जो उपचुनाव राज्य में हुए हैं, सूबे में हुए हैं, उसमें महागठबंधन ने तमाम सीटों पर जीत दर्ज की है, तो उस अपने थ्योरी को भी आगे बढ़ाएगी महागठबंधन इस जीत के साथ। जी बिल्कुल, महागठबंधन का उपचुनाव में ये जीत का चौका है। और जो सबसे बड़ी बात सारिफ कि ये कांग्रेस का महिला विधायकों का पंजा भी यहाँ पर, अब कांग्रेस की 5 महिला विधायकें सदन में होंगी। ऐसा ये पहली बार होगा संभवतः, जितना मुझे जानकारी है, कि जो कुल संख्या महिला विधायकों की झारखंड विधानसभा में है वो इतनी कभी नहीं हुई थी जितना कि इस उपचुनाव के बाद होगा। सारिफ, बहुत बेहतर आकलन आपने किया है कि महिला विधायकों का पंजा होगा, 5 महिला विधायक जीत का सदन में पहुंचेगी। बहुत शुक्रिया विपिन आपका, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।